नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो बहुत ही खास वीडियो है, और ये वीडियो आया सीधे कश्मीर से। फईका जावेद हैं, आपको आप लोगों ने उनको देखा होगा, उनको बोलते हुए देखा होगा, लेकिन आज वो ग्राउंड पर हैं, वो माइक लेकर उतरी हैं। उनका चैनल है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए उनका चैनल भी देखिए, यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो ये आज निकली हैं श्रीनगर की सड़कों पर और ये सवाल पूछ रहे हैं कि इज कश्मीर एंड कश्मीरी पीपल सेफ, रिएक्शन फ्रॉम लोकल कश्मीरीज एंड टूरिस्ट। तो चलिए भाई देखते हैं कि आज इनको क्या जवाब मिल रहा है लोकल कश्मीरियों से भी, जो टूरिज्म के तहत जो लोग आए हैं, टूरिस्ट आए हैं, वो क्या कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल, और मैं हूं आपके साथ फईका जावेद। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कश्मीर अपनी खूबसूरती की वजह से, मेहमान नवाजी की वजह से दुनिया भर में बहुत ही मशहूर है। यहां की वादियां, यहां के गार्डन्स, मुगल गार्डन्स और यही डल झील, मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करना चाहूंगी कि एक बार लाइव विजुअल्स में दिखाते चले कि किस तरीके से जो है इस ब्यूटीफुल डल झील का नजारा, यहां के जितने भी टूरिस्ट हैं, यहां पे जितने भी सयाह दुनिया भर से आते हैं और इंडिया के मुख्तलिफ रियासतों से आते हैं, क्या कुछ वो यहाँ का नजारा देखने के लिए आते हैं। और यहाँ की वादियां, यहाँ के सरसब्ज बाग और यहाँ का एक निशात, इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ ठीक निशात गार्डन यानी के मुगल गार्डन एक के सामने, जहाँ पे आप देख सकते हो विजुअल्स में कि यहाँ पे कितने टूरिस्ट की कतार है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ टूरिस्ट हमारे साथ है, इनसे बातचीत करने की भरपूर कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका नाम जानेंगे? संगमेश। कहाँ से आए हैं आप? गोवा से। तो कैसा लगा आपको कश्मीर, क्या एक्सपीरियंस लेकर आप गोवा वापस जाओगे? अच्छा लगा, ऐसे हम लोग सुनते हैं कि कश्मीर इज हेवन ऑन द अर्थ, वो आज देख भी लिया। वी फेल दैट इट इज द हेवन ऑन द अर्थ। रियली रियली इट्स हेवन ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे एक और भी कुछ चीजें थी जो कि मुख्तलिफ रियासतों से लोग शायद अभी भी शायद उनमें वो खौफ है दिलों में कि कश्मीर इज नॉट सेफ, तो डू यू फेल दैट इट्स नॉट सेफ? नहीं, ऐसा कभी लगा नहीं है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हम भी 2 दिन से हैं यहाँ पे, लोग कोऑपरेटिव है, ऐसा कुछ ये नहीं है। मतलब क्या है वो, कुछ अफवाह या कुछ पता नहीं है, हमें तो ऐसा कुछ महसूस नहीं। इस टाइम पे आप क्या ट्राई कर रहे हो? ये फ्रूट सलाद है जी। कुछ डिफरेंट लगा आपको? नहीं, ये तो फ्रूट्स मैक्सिमम हम लोग खाते ही है। देखिए, अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर अपने फ्रूट्स की वजह से, अपने स्पाइसेस की वजह से, कहवा की वजह से, या फिर बहुत सारी ऐसी डिशेज है जो कश्मीर दुनिया भर में जाना जाता है, तो आपने कौन कौन सी डिशेज कश्मीर की ट्राई की है? कश्मीर की डिशेस हमने सभी खावा किया, कल जो शिकारा कर रहे थे ना तो खावा लिया था, तो कैसा मजा आया? अच्छा लगा। बाकी ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी हमने ली है, केसर वगैरह यहाँ के जो फेमस है। अच्छा, तो आपके प्लेस से अगर हम बात करें गोवा से, तो क्या डिफरेंट लगा आपको कश्मीर में गोवा से? गोवा में ऐसा है, गोवा में मतलब ब्यूटी जो है वो बीचेस पे है, समुन्द्र किनारे वगैरह होते हैं, ये तो पूरा अपोजिट है उसके, माउंटेन्स है, आइस फॉलिंग, बाद में ये पानी वगैरह, मतलब डिफरेंट है। तो आपका क्या मैसेज रहेगा दुनिया भर के जितने भी लोगों के लिए जो कश्मीर विजिट करना चाहते हैं, जो ख्वाहिश रखते हैं कश्मीर विजिट करने की? उनसे कहूँगा कि एक बार तो उनको आना चाहिए कश्मीर, जिंदगी में देखना चाहिए हेवन। नहीं, जिंदगी में तो एक बार आना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक यहाँ पे हमारे साथ सयाह जुड़ चुके हैं, ये हमसे भाग रहे हैं, लेकिन हम फिर भी सवालात के जो है सवालात जारी रखेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, आपका नाम जानूंगी। राजशेखर। देखिए, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपको क्या कैसा लग रहा है कश्मीर में, आप इस टाइम पे कितनी बार कश्मीर आए हो और आपका एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम, पहली बार आए। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितनी जगहों पे आप घूमे? ऑलमोस्ट हर गार्डन घूम चुके हैं, एक दो प्लेस अभी जा रहे हैं, ऑलमोस्ट आज फिनिश करके निकल जाएंगे कल। क्या डिफरेंट लगा आपको अपनी प्लेस से कश्मीर? बढ़िया है, ऐसा कोई ये नहीं है, बढ़िया प्लेस है, शांत है, क्लाइमेट भी ओके है, ऐसा कोई। तो कश्मीर के लोगों के बारे में अगर बात करें तो कश्मीर के लोग आपको कैसे लगे? बढ़िया है, ऐसा कोई ये नहीं है, फ्रेंडली है, सपोर्टिव, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कश्मीर के बारे में एक और मिथ बताया जाता है कि ये अनसेफ एरिया है, तो आपको क्या लगा? ऐसा कुछ नहीं लगा अभी तक, जो हम लोग आज दूसरा दिन है, ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, यानी कि सब कुछ हैप्पी था, नॉर्मल है, ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ अपने को दो अब तक। चले, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, जिस तरीके से हमने कुछ टूरिस्ट से बातचीत की, आपने देख ही लिया होगा कि क्या कुछ इनका एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही खुश लग रहे थे। और एक बार मैं आपको गुजारिश करना चाहूंगी अपने कैमरा पर्सन से कि इन चाचा की तरफ दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पे ये जो है फ्रूट सैलेड भेज रहे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ओके मैम, आपका नाम जानूंगी? मेरा नाम अब्बास है।
देखिए आपसे जानेंगे आप कितने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हो, क्या क्या लग रहा है टूरिज्म के हवाले से अगर हम बात करें? टूरिस्ट आ जाओ, हमारी भी कमाई हो जाएगा। हम टाइम पे टूरिस्ट कितने आ रहे हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। काम ठीक चल रहा है? शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे बाकी सयाहों को? मैं उसको बोलूंगा आ जाओ कश्मीर में घूमो, जो कश्मीर में नहीं आया ना वो कुछ नहीं दिखाया कश्मीर में, दुनिया में कश्मीर में आ जाओ। हाँ, हमारा दावत है आ जाओ कश्मीर। सेफ है कश्मीर? हाँ सेफ, इस वक्त सेफ है, कोई टेंशन नहीं। आज तक जो टूरिस्ट आया किसके साथ कोई करता है? कुछ नहीं है, टूरिस्ट सेफ है यहाँ। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए यहाँ पे सही बात है, कश्मीर जिसने नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा यार। मैं तो कह रहा हूँ कश्मीर भी देखिए, और इसके अलावा भी बहुत सारी जगह है, लेकिन कश्मीर भी आपकी लिस्ट में होना चाहिए। और जाहिर सी बात है सेफ अगर नहीं होता तो करोड़ों टूरिस्ट कश्मीर में क्यों जाते भाई? करोड़ों टूरिस्ट गए हैं अभी पिछले एक साल में, अगर देखूं तो करीब करीब 2 करोड़ टूरिस्ट जा चुके हैं कश्मीर, और रिकॉर्ड बना है कश्मीर में टूरिज्म का। और जैसा कि वो कह रहे थे टूरिज्म बढ़ता है, टूरिस्ट आते हैं तो कमाई बढ़ती है, लोग खुश होते हैं, जेब में पैसे भरे रहते हैं, और वही हो रहा है कश्मीर में। अब अब्बास भाई जो वहाँ पर फ्रूट सैलड बेच रहे हैं वो देखिए कितने खुश थे, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को लगे कि नहीं नहीं ये तो प्लांटेड है, इनको तो बोला गया है, वो तो कश्मीरी है ही नहीं। दर्शकों हमारे साथ ये चाचा भी जुड़ चुके थे, किस तरीके से इन्होंने कश्मीर को एक्सप्लेन किया, जो कि कश्मीर के बारे में जो मिथ्स बोली जाती थी आप सब लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरीके से जो है इन अंकल ने खुलासा किया कि यहाँ पे कोई भी ऐसी अनहोनी नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल सेफ है। टूरिस्ट से गुजारिश भी की गई कि यहाँ पे कश्मीर जरूर विजिट करें। फिलहाल और कुछ लोगों से यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि विजुअल्स में आप लोगों ने देखा ही होगा। मैं कैमरा पर्सन से गुजारिश करना चाहूंगी कि एक बार फिर से लाइव विजुअल्स में दिखा दे चले कि किस तरीके से यहाँ पे जो एक मार्केट यहाँ पे क्रिएट किया गया है, चाहे गोलगप्पों की बात की जाए या फिर फ्रूट सैलेड वहाँ पे हमारे चाचा बेच रहे थे, आइसक्रीम्स बेची जा रही है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे सबसे मशहूर। और देखिए ये लाइन बड़ी लंबी है, आप पीछे वो देख रहे हैं वो गाड़ियों की लाइन लगी है, यानी कि टूरिस्ट बहुत ज्यादा आए हैं। और ये डल लेक के किनारे किनारे में, मुझे लगता है कि जितनी लंबाई में डल लेक होगी जहां 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 तक ये जाएगी तो मुझे बहुत दूर दूर तक दुकानें ही दुकानें नजर आ रही हैं। और पाकिस्तान के लोगों जो रिएक्शन देते हुए कहते हैं कि जी वहां पे तो 11 लाख की सेना है, भाई दिखाइए तो सही फौजी कहां दिख रहे हैं आपको इसमें, दिखाइए भाई दिखाइए। जो कि वाटरमेलन बेच रहे हैं यहाँ पे, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, थैंक यू। आपका नाम जानूंगी? मुजफ्फर। कितने टाइम से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं यहाँ पर तकरीबन 10 सालों से काम करते आ रहा हूँ। तो इस टाइम पे अगर टूरिस्ट लोग के हवाले से बात करें तो क्या लग रहा है टूरिस्ट की आमदरफ्त कितनी दिखाई देखने को मिल रही है? अभी आ रहा है, दिन ब दिन टूरिस्ट का रश बढ़ता जा रहा है, काफी अच्छा देखने को मिलता है। अभी टूरिस्ट बहुत आ रहा है अभी, क्योंकि यहाँ पर तो काम ज्यादातर मिकदार हमारा यहाँ पर टूरिस्ट पे ही चलता है, जैसा कि हमारा रोजगार है वो यहाँ पर टूरिस्ट पे ही है। तो आपके वाटरमेलन जो है वो यहाँ पे फेमस माने जाते हैं, क्या खासियत है इनमें? यहाँ पर इसलिए क्योंकि हम इधर प्योर वाटरमेलन बेचते हैं, इसमें कोई ये ऑर्गेनिक होता है प्योर, इसमें कोई मिलावट विलावट नहीं है। जूस भी निकालते हैं ऐसे प्लेट उसमें में भी सर्व करते हैं आके। बाकी तो वाटरमेलन तो वाटरमेलन है, उसका बहुत सारे फायदे है। अभी इस मौसम के लिए ये सबसे अच्छा वाटरमेलन हम जूस बना कर दे रहे हैं टूरिस्टों के लिए, खासकर टूरिस्टों के लिए यहाँ पर रखने पड़ते हैं हर कोई फैसिलिटी अवेलेबल, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा लाइक हमको करे और कश्मीर को सबसे ज्यादा वोट मिले। तो आप एज ए कश्मीरी ये बोलते हो कि यहाँ पे कोई भी ऐसी अनहोनी नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल सेफ है, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर्स की बात की जाए या फिर अभी भी कुछ मिथ्स हैं जो कि दुनिया भर में प्रोपेगेंडे जो चलाए जाते हैं, यहाँ पे ये बोला जाता है कि कश्मीर सेफ नहीं है, तो आपको एज ए कश्मीरी क्या लगता है कश्मीर सेफ है कि नहीं? कश्मीर तो बिल्कुल भी सेफ है। अभी कुछ मीडिया हमारे वहाँ पर टूरिज्म के खिलाफ तो ये तो जंग चल रही है अभी, जैसे कि कश्मीर को टूरिज्म स्टार्ट होना लगता है तो वैसे भी कुछ मीडिया प्रोपेगेंडा ऐसे चला रही है, तो आफा है टूरिस्ट वहाँ से, तो टूरिस्ट फिर दिन ब दिन कम ही होता जा रहा है। इसलिए यहाँ लिव यंग लिव फ्री, टूरिस्ट आइए इधर, बिल्कुल भी अच्छी सेफ जगह है कश्मीर में, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दूसरे हम भाईचारे के साथ, इनको भी खुद भी पता है, टूरिस्ट भी कह रहे हैं इधर कश्मीर तो दिलवालू की है,
जैसे कि ऐसे बाहर में हम देखे कश्मीर तो दिलवालों की है, इधर तो कश्मीरी को कुछ नहीं क्या। हमारे दर्शकों को जरा आगाह कराए कि यहाँ पे क्या क्या फेमस है, कश्मीर की क्या क्या डिशेस फेमस है और कश्मीर की कौन कौन सी जगह फेमस है। सबसे फेमस जो हमारा है तो वो तो वाजवान है, जो फेमस है कश्मीर का डिश वाजवान होता है। और इधर मुगल गार्डन्स है, नेशनल पार्क्स है, बहुत सारे ऐसे केबल कार्स है जो राइड करने को मिलता है। और ऐसे पर कुदरती तौर पर नेचुरली है, कोई वैसा भी नहीं है, तो जो डेवलपमेंट भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। बाकी इधर कोई भी डेवलपमेंट या तो कुदरती, अल्लाह पाक ने कुदरती नेचुरली बनाया सब कुछ, कोई भी डेवलप करने की इसको जरूरत नहीं है उतनी। तो आप एज एन इंडियन कश्मीरी यहाँ पे खुश हो? बेशक बेशक। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पे हमने वाटरमेलन सेलर से भी बातचीत की, क्या कुछ इनका एक्सपीरियंस था, क्या कुछ इन्होंने हमारे दर्शकों को नॉलेज दी कश्मीर के रिलेटेड और वाजवान के रिलेटेड। इन्होंने कश्मीर की बहुत सारी डिशेस से हमें आगाह कराया कि किस तरीके से जो है कश्मीर में कौन सी डिशेस बनाई जाती है। और मेहमान नवाजी की अगर हम बात करें तो मेहमान नवाजी की लिए भी कश्मीर दुनिया भर में जाना जाता है। तो फिलहाल इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ डल लेक के किनारे और वहीं बात करेंगे मुगल गार्डन की, यानी कि जो मशहूर मुगल्स ने यहाँ पे गार्डन्स बनाए थे उसी रोड पे जहाँ से हमें बुलवार्ड भी दिखाई देखने को मिलेगा। हम शंकराचार्य भी यहाँ से जा सकते हैं और यहाँ पे हमें पहाड़ों की लंबी कतार दिखाई देखने को मिलती है। और आप देख सकते हो कि टूरिस्ट का कितना ज्यादा रश है यहाँ पे। यहाँ पे बस मैं आप लोगों का यहाँ पे व्लॉग शूट करने का एक ही मकसद था कि कश्मीर सेफ है, कश्मीर फ्री है। और यहाँ से हमने बहुत सारे लोगों से, जिस तरीके से हमने बहुत सारे कश्मीरियों से बातचीत की, क्या कुछ उनका रिव्यू रहा, क्या कुछ उनका एक्सपीरियंस रहा, उनकी बस यही डिमांड थी कि कश्मीर सेफ है, कश्मीर फ्री है, कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है। और उनकी यही मैसेज थी दुनिया भर के दर्शकों के लिए, दुनिया भर के अवाम के लिए कि वो यहाँ पे आए, कश्मीर विजिट करें और कश्मीर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। कुछ सयाहों से हमें ये भी जानने को मिला कि कश्मीर हेवन ऑन अर्थ है। तो वाकई में उन्होंने कश्मीर विजिट किया और उनको वाकई में वही चीज देखने को मिली जो उन्होंने सुनी थी। जुड़े रहे मेरे साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो चलिए भाई, फरीका ने अच्छा वीडियो बनाया, अच्छी कोशिश की दिखाने की लोगों की कि जो मिथ्स हैं जम्मू कश्मीर को लेकर कि जी वहाँ सेफ नहीं है, वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है, आज़ादी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो सबका जवाब आपको इस एक वीडियो में मिल गया होगा। लोग प्रॉपर आ रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, लोग फिर रहे हैं, लोग खा रहे हैं, लोग पी रहे हैं, जा रहे हैं, जहाँ मन कर वहाँ जा रहे हैं। और ये डल झील है, श्रीनगर का हार्ट है। तो भाई फरीका के चैनल का लिंक मैंने दिया हुआ है, जाइए आप लोग देखिए, उनको सपोर्ट करिए। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये वीडियो पाकिस्तान के उन लोगों के लिए एक जवाब है जो ये लगातार कहते रहते हैं कि जी वहां पर तो कश्मीरियों को दबाया जा रहा है, वहां पर तो जी कश्मीरियों पर जुल्म किया जा रहा है। भाई अगर जुल्म किया जाता, भाई अगर दबाया जाता, तो आज बताओ इतना फ्रीली आपको डल लेक दिखाया गया है, वहां पर टूरिस्ट ऑल ओवर इंडिया से आए। गोवा से सोचिए, गोवा बिल्कुल साउदर्न पार्ट में है हमारे, वहां से बंदा सीधे नॉर्दर्न पार्ट में आया, सीधे नॉर्दर्न एरियाज में आया। तो आप सोचिए कि अगर वो सेफ साउंड नहीं करता, वो सिक्योर फील नहीं करेगा, तो वो क्यों आएगा? और जो करीब 2 करोड़ लोग आए हैं वो क्यों आते? देश विदेश हर जगह से लोग आते हैं। और यहां पर G20 की मीटिंग होने वाली है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है इंडिया के लिए। वो ग्राउंड रियलिटी दिखाएगा दुनिया भर को कि देखिए भाई, आप कहते हैं कि जी कश्मीर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये आप खुद ही देख लीजिए, आइए चलकर देखिए, मीडिया लाइए, सब देखिए क्या हो रहा है, नहीं और आपको खुद अपनी आंखों से दिख जाएगा। तो ये बात थी और ये वीडियो बहुत ज़रूरी था और बहुत बढ़िया वीडियो था। और ये मुझे लग रहा है कि अगर पाकिस्तान के लोग इस पर रिएक्ट करेंगे तो उनको समझ में आएगा। बाकी जिनको नहीं मानना है वो तो कुछ भी कह दोगे, उनके सामने तो कुछ भी लाकर रख दोगे, वो नहीं मानेंगे। तो खैर, हमें उनसे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं। तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।